हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आईटीबीपी ट्रेड्समैन की जो भर्ती स्टार्ट होने वाली, जिसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी जारी हो गया है, जो कि बहुत जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा होगा उसकी तैयारी में लग गए होंगे फिजिकल की। दोस्तों तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इसका जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी वो कैसे करनी है, एग्ज़ाम में जो है किस टाइप के सवाल आपसे पूछेगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको जो है इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन बताने के। दोस्तों और एक बात आपसे मैं हम बोलना चाहते हैं, दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम जो आईटीबीपी में जितने भी ट्रेड्स हैं उसके उस सब के ट्रेड्स के बारे में जो है हम आपको दो दो लाइन में जो है बताएंगे कि वो जो ट्रेड टेस्ट में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसलिए दोस्तों अगर आपको उसमें दो लाइन भी अगर याद रहेगी तो आपसे मैं पक्का कहता हूँ आप ट्रेड टेस्ट में जो है क्वालिफाइड होकर जरूर आइएगा। दोस्तों इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो के लास्ट में जो आपको जितने भी ट्रेड हैं, इसमें वाटर कैरियर हो, बार्बर, गार्डनर, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, जितने भी ट्रेड हैं इसके सब में जो है शॉर्ट में आपको समझा देंगे आपको वहाँ किस टाइप से ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, आपको ट्रेड टेस्ट कैसे देना है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो जो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों चलिए हम दोस्तों ये जो आईटीबीपी ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों 50 नंबर का होगा। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम है वो 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको एक घंटा का समय दिया जाएगा, जिसमें जनरल की जो है जनरल को जो है 35% लाना है क्वालिफाइड होने के लिए रिटेन एग्ज़ाम, और जो SC ST OBC के कैंडिडेट हैं उनको जो है 33% लाना है क्वालिफाइड होने के लिए। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है होगा, इसमें जो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन भी आप जान लीजिए। दोस्तों जनरल आंसर है, जनरल नॉलेज से दोस्तों जो ये जो है 15 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। ये जो नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व से जो है 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 15 नंबर के होंगे। और फिर जो है टू टेस्ट द बेसिस नॉलेज ऑफ द इंग्लिश इन इंग्लिश हिंदी। दोस्तों आपको जो है इंग्लिश या हिंदी में नॉलेज होना चाहिए, इससे जो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों ये जो आईटीबीपी ट्रेड्समैन की भर्ती, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो है आईटीबीपी ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट। दोस्तों अगर आपकी जो मेरिट बनेगी, जो मेरिट में नंबर जुटेंगे वो दोस्तों आपके ट्रेड टेस्ट से ही नंबर जुटेंगे, जो कि आपका ट्रेड टेस्ट जो है वो 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको 40 नंबर लाने हैं ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाइड होने के लिए। दोस्तों इसलिए मैंने जो है इस वीडियो में है ट्रेड टेस्ट के बारे में भी है शॉर्ट में पूरी जानकारी दे दूंगा, सारे ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये जो 50 नंबर में आपको 40 नंबर ट्रेड टेस्ट में लाने हैं किसी भी हाल में क्वालिफाइड होने के लिए दोस्तों, तभी आप जो है आपके जो नंबर हैं वो मेरिट में जुड़ेंगे। दोस्तों आप जितने भी ट्रेड टेस्ट हैं दोस्तों उसकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, आप जरूर एक दो पॉइंट भी अपने दिमाग में रखिएगा तो जरूर आप जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड होके आइएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड टेस्ट जो है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ वाटर कैरियर का। ये जो दोस्तों वाटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट, इसमें जो दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसे भी जो कमांड रखिएगा तो पक्का मैं क्या कह रहा हूँ आप ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाइड होकर आइएगा जरूर। वाटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट है दोस्तों, इसमें जो है आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो है इसमें जो काम क्या होता है दोस्तों वो आप जान लीजिए। इसमें जो काम होता है आपको कुक की हेल्प करनी होती है दोस्तों, आप कुक का है कुक की हेल्प आपको करनी होती है, इसका मतलब समझ आई कुक की हेल्प क्या है कि कुक की हेल्प है कि आपको आटा गूंदना चाहिए, सब्जी काटनी आनी चाहिए अच्छे तरीके से, जो है इसके बारे में जो है आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों आपको रोटी बनानी आती है, आपको जो हर तरह की डिशेज है वो बनाने आती है या नहीं आती है, इसके बारे में जो है वाटर कैरियर से पूछा जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों मैं बता देता हूँ बार्बर के ट्रेड टेस्ट में क्या है कि दोस्तों बार्बर के ट्रेड टेस्ट में है कि आपको जो है सिर के मसाज करने का तरीका बढ़िया से आना चाहिए, आपको जो है हर स्टाइल में जो है बाल काटने आने चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फौजियों के जो बाल होते हैं वो हर टाइप से काटे जाते हैं, महीन महीन टाइप से, उस टाइप से आपको बाल काटने आने चाहिए, आपको जो अच्छी तरह से मसाज करने का तरीका आना चाहिए। गार्डनर का ट्रेड टेस्ट जो है दोस्तों, उसमें जो आपसे बेसिस पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि गार्डनर का काम होता है दोस्तों कि वो फूल पौधे की देखभाल करना, इस गार्डनर के टेस्ट में पूछा जाएगा आपसे दोस्तों कि आप में जो है फूलों की नॉलेज है या नहीं है, आप मतलब जैसे ऐसे फूल आपसे पूछे जाएंगे, आपसे जो फूलों के नाम पूछ दिए जाएंगे कि आप 10 फूल के नाम बताएं जो 5 गर्मी में उगते हैं और 5 सर्दी में उगते हैं, जैसे कि जो फूल सर्दी में उगते हैं उनके आपको 5 नाम याद कर लेना है, जो फूल गर्मी में उगते हैं उनके 5 नाम आपको याद कर लेना है, और जो फूलों की जिस टूल से कटिंग की जाती है, जिस मशीन से फूलों को काटा जाता है, जिस मशीन से जो मट्टी कोड़ी जाती है, उस सब टूल से जो है उसके आपको नाम याद कर लेने हैं दोस्तों, और जो खाद डाला जाता है उसमें जो यूरिया डाला जाता है उसके आपको नाम याद कर लेने हैं। ये जो है गार्डनर का ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी थी दोस्तों शॉर्ट में। सफाई कर्मचारी की जो
टेस्ट है दोस्तों। सफाई कर्मचारी में क्या है कि आपको जो है दोस्तों डिफेंस का मतलब ही है डिसिप्लिन और सफाई दोस्तों। डिफेंस में जो सबसे पहले सफाई बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए सफाई में जो है दोस्तों कि आपको जो अच्छे से जो साफ़ सफाई करना आना चाहिए हर चीज़ का। जैसे कि ऐसे साफ़ सफाई नहीं, आपको जो बर्तन जो है पूरा बढ़िया से साफ़ करना है, बाथरूम साफ करना है, टॉयलेट जो है, बेसिन है, ये सब जो है आपसे पूछा जाएगा दोस्तों टेस्ट में। ये सब जो है आपसे साफ़ करने के लिए भी दे दिया जाए, जो बेसिन है वो साफ़ करने के लिए दे दिया जा सकता है आपको दोस्तों। इसी टाइप्स के जो आपसे पूछे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सफाई कर्मचारी में। कुक में जो है दोस्तों, कुक में जो है कि आप जानते हैं कुक का मतलब होता है खाना बनाना दोस्तों। आपको जो खाना बनाना आना चाहिए बढ़िया टाइप के खाना बनाना आना चाहिए, हर तरह की। आपको जो वेज भी सब्जी बनानी आनी चाहिए, नॉन वेज भी बनानी आनी चाहिए। आपको जो हर तरह की डिशेज जो है बढ़िया डिशेज जो है अच्छी क्वालिटी में आपको बनाना आने चाहिए। उसके बाद है जो वाशरमैन। वाशरमैन का काम होता है दोस्तों कपड़ा धोना। आपको जो है वाशरमैन का जिन बंदों ने भरा है, वाशरमैन का काम है कि बढ़िया से जो है आपको कपड़ा धोना आना चाहिए और कपड़े को जो है बढ़िया से धो के जल्दी जल्दी कैसे शॉर्ट में धो देते हैं, उसको सुखाने का आपके पास तरीका होना चाहिए। जल्दी जल्दी आप उसको सुखा दें, इस तरह से धोएं कि कपड़ा ख़राब भी ना हो, कपड़े में जैसे रुगड़ टाइप का नहीं फेंके, इस टाइप से जो। और आपको जो है सरफ़ के जो नाम याद होने चाहिए दोस्तों। वाशरमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि कम से कम आपको 5 सरफ़, जैसे टाइड हो गया, सरफ एक्सल हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, इस तरह के जो आपको सरफ़ के नाम मालूम होने चाहिए और इसको कितने मात्रा में डालना है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। और इसके बाद जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ टेलर। टेलर में दोस्तों क्या है कि टेलर को तो हमें लग रहा है कि बहुत ही कम बंदों ने टेलर के लिए अप्लाई किया, लेकिन टेलर के बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तों। टेलर में क्या है कि दोस्तों टेलर में जो आपको कपड़ा सिलाई करना आना चाहिए, हर तरह की जैकेट आपको सीने आना चाहिए, मशीन अगर ख़राब हो जाए मशीन के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हर तरह की जो अब जो दोस्तों हर तरह की जो मशीन जो है डेवलप हो चुकी है उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर मशीन कहीं बिगड़ जाए उसको आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों ये सब जो है दोस्तों टेलर में बेसिक पूछा जाएगा। इसके बाद है दोस्तों कॉबलर। कॉबलर में है कि क्या दोस्तों कि कॉबलर में जो दोस्तों आपको जो है चप्पल जूता जो है दोस्तों सीना आना चाहिए बढ़िया तरीके से दोस्तों। चप्पल सीने के जो टूल्स होते हैं उसको आपको मालूम होने चाहिए दोस्तों। अगर ये सब जो टेस्ट की है दोस्तों, इसकी आप अगर फुल जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां जो टेस्ट करके वीडियो बनी हुई है सारे टेस्ट के बारे में एकदम अच्छे से जो है बढ़िया से जो बताया गया, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं दोस्तों। ये जो थी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है सब टेस्ट के बारे में दोस्तों। आप इसमें अगर 2-4 पॉइंट भी आप अगर याद रखते हैं तो आप जरूर जो है क्वालिफाइड होकर आइएगा पक्का दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछना है, आपके मन में डाउट है, तो आप हमसे ज़रूर पूछें, हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं और सबके जवाब देते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।